हेलो गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। एकदम क्रंची क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से घर में बनाए क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। आइए सबसे पहले बनाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खाने वाली चटनी। इसके लिए मैंने 5 बड़े टमाटर लिए हैं, इसमें क्रॉस का निशान लगा दिया है, बॉयल्ड पानी करने रख दिया था। अब इसमें मैंने काफ़ी सारा लहसुन ऐड किया है, अब इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छे से उबालेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक इनको अच्छे से उबालना है। देखिए किस तरह से इनका छिलका हटने लगा है, सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। अब इनको किसी छलनी में इस तरह से निकाल लें। मैंने निकाल कर टमाटर के छिलके छील लिए हैं, अब इसको मिक्सी जार में डालेंगे, अच्छे से स्मूथ पेस्ट ग्राइंड करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, एकदम स्मूथ ग्राइंड करना है, एकदम परफेक्ट ग्राइंड हुआ है। ग्राइंड करने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, अब इसको गैस पे रख देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये चटनी अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ही ऐड करना है। इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है। अब इसको पकाएंगे अच्छे से, लगभग 5 मिनट तक पकाना है इसको। 5 मिनट में अच्छे से चटनी बनके तैयार हो जाती है। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, आप मोमोज के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनती है, कम सामान में बहुत ज़्यादा अच्छी। हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने फिंगर साइज़ में आलू को कट कर लिया है इस तरह से। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी इस तरह से। कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएं और मिक्स भी साथ में करते जाएं, क्योंकि जितनी ज़रूरत हो उतना कॉर्नफ्लोर डालें। और हाँ, मैंने आलू को बॉयल्ड नहीं किया है, क्योंकि ये भी एक सीक्रेट है, आलू को बॉयल्ड नहीं करना है। काट कर आलू धोकर अच्छे से इसका फ्रेंच फ्राइज काट लेने हैं और इसमें तुरंत ही कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आलू उबालने की भी खोकट ख़त्म हो जाएगी। इसमें जितनी ज़रूरत हो उतना कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं इस तरह से, अच्छे से मिक्स करें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो। इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं ताकि कॉर्नफ्लोर आलू में इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि मज़ा तो कॉर्नफ्लोर का ही है। तभी जब इसमें अच्छे से कोट होंगे तभी एकदम क्रंची क्रिस्पी आपके फ्रेंच फ्राइज बनेंगे। बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल पहले ही गर्म कर लिया, अब मैंने एक फिंगर डाल के देखा है। देखिए तेल एकदम बढ़िया गर्म हो गया है इसको, और इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल को ज़्यादा गर्म करना है, एकदम बढ़िया गर्म होना चाहिए। अब इसमें मैं फ्रेंच फ्राइज डाल दूँगी। अब हल्के हाथों से इसको ऐसे चलाएंगे इस तरह, हल्के हाथों से चलाना है। देखिए इस तरह से अच्छे से फ्राई करने हैं
और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि हाफ फ्राई ही करना है, यही है एक सीक्रेट, हाफ फ्राई करना है। हाफ फ्राई करके इनको निकाल लें, यही एक सीक्रेट है। हाफ फ्राई करने से और उसके बाद डबल फ्राई करने से एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे, मार्केट से भी अच्छे फ्रेंच फ्राइज आप घर में बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारे हाफ फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब इनको इस तरह से निकाल लेंगे किसी प्लेट में। अब मैं जो और भी बचे हैं फ्रेंच फ्राई, इस तरह से मैंने सारे फ्रेंच फ्राई निकाल लिए हैं। अब और जो भी बचे हैं मैं उनको भी इस तरह से फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें जितने बचे थे मेरे पास वो भी डाल दूंगी और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब मैं जो हाफ़ फ्राई किए हुए फ्रेंच फ्राई रखे थे, अब मैं उनको भी डबल फ्राई करूंगी, जिससे हमारे एकदम क्रंची क्रिस्पी मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज बने। आप मार्केट के फ्रेंच फ्राइज खाने भूल जाएंगे, इतने अच्छे घर में बनेंगे। और हाँ, अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में और खाने में भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, मज़ा आ जाएगा। पूरे घर में आपकी तारीफ होगी, आपसे बार बार बनवा के खाएंगे सब लोग। थैंक